उन्होंने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बलूनी बड़े अंतर से जीतेंगे और उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट पड़ेंगे। मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हम कोटद्वार में हैं और उन्होंने आज अनिल बलूनी जी जो पौड़ी गढ़वाल से भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में एक जनसभा को संबोधित भी किया, उन्हीं से बात करते हैं। आपका तो बड़ा पुराना क्षेत्र है, अपना गांव भी इसी संजय दत्त क्षेत्र में है, आप लोकल लोग हैं, सेंटिमेंटली आपने जोड़ने के लिए प्रयास किया। हाँ, असल में क्या है कि अनिल लंबे समय से और सामाजिक सेवा में है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते, बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा और अब राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राज्यसभा सांसद, अब लोकसभा के प्रत्याशी आज इस रूप में है। जब हम किसी अपने छोटे को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक भावनात्मक बातें होती हैं, कई बातें हम बोल पाते हैं, कई बातें नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हाँ, जब माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी ने इनको राजनीति में मेरे हाथ में सौंपा था तो कहा था कि त्रिवेंद्र जी ये एसेट होगा उत्तराखंड के लिए, इसको कोई जिम्मेदारी दीजिए, कुछ करके दिखाएगा। और आज मुझे बेहद खुशी होती है कि एक विजन के साथ काम करने वाला और दृढ़ इरादों वाला एक व्यक्ति आज उत्तराखंड की इस प्रेस्टिजियस जो गढ़वाल लोकसभा है उससे पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। मैं उनको शुभकामनाएं देने आया था और मैं सबसे ये अनुरोध कर रहा हूं गढ़वाल लोकसभा के, क्योंकि मैं भी यहां पर एक दावेदार था, मुझे पार्टी ने हरिद्वार भेज दिया, तो मैं सब जो मेरे अपने प्रेमी लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, क्योंकि लंबा मेरा संगठन का अनुभव है, तो सबसे कहूंगा कि भाई एकजुट होकर के और सब लोग अनिल बलूनी को एक बार सुन। पहचानने वाले खांटी राजनेताओं में हैं, तो अभी आपने यहाँ बहुत लोगों से बातचीत भी की है, रोड शो में भी थे और अभी यहाँ जनसभा देख करके मूड देख के क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं, इस बार भयंकर, मैं कहता हूँ ऐसी लीड यहाँ से मिलेगी, पिछली लोकसभा में यहाँ से 27,000 की लीड मिली थी और कोटद्वार लोकसभा से, कोटद्वार विधानसभा से, और इस बार निश्चित रूप से आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, ये 60,000 क्रॉस करेगी। अभी हरिद्वार की क्या तैयारी है, चूंकि एक रण तो आपको वहां भी लड़ना है? हरिद्वार की बहुत बढ़िया तैयारी है और हरिद्वार की जनता ने मन बना लिया है कि वहां से एक बार फिर नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डालेंगे। बहुत धन्यवाद, आपका शुभकामनाएं आपको। तो मेरे साथ थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं हरिद्वार लोकसभा से, और उन्होंने यहां कोटद्वार में जनसभा को संबोधित भी किया बलूनी जी के समर्थन में, और अपनी भी राह को उन्होंने बहुत कठिन नहीं बताया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाना चाहती है पब्लिक, इसलिए जीत निश्चित है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए कोटद्वार से अजीत सिंह राठी।